Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. And today the date is 13th of October, I guess. Yeah, 12th of October. That's Tuesday. And today we have got this letter in our hands. I hope this is the one for the day. I'm just going to ask everyone around, like, if it is true. Guys, this is the letter that we are supposed to do today. I'm just going to unmute you all so as to confirm. I think that's the letter that we are supposed to do today. Am I right? This one, Dal and Charles. Is this yes, the one? All right. So I'm just going to mute you all again and just to make sure that, you know, everybody is audible. Okay. Thank you. So yeah, again, we always, even I think today Naz ma'am must be there. She has joined from Australia. So I'm just, she's the only new student of the day. So what I want to say precisely is that always, Naz ma'am, you are having your first class with us. So always make sure that first of all, you try and find hum letter kisko likh rahe hain. So again, first day wali baat hai, hum letter likh rahe hain. Aaj write a referral letter to the lactation consultant. Yani aaj jo bhi baatein hoengi, wo lactation se related hongi. Yani wo bhi baby ke feeding se related hoengi. To hum lactation consultant ko likh rahe hain, yani feeding se related baatein hoengi. At the Breastfeeding Support Center, 68 Main Street, Romaville. तो रोमाविल एक जगह है, वहां के ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट सेंटर को, यानी ये भी बात हो गया कि लैक्टेशन कंसल्टेंट से ये पूछना है कि ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट कैसे देना है. मतलब मेजरली हमारा लेटर आज का इससे रिलेटेड होना चाहिए. अगेन, जब हमें ये पता लग जाता है लेटर किसको लिखना है, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट बात होती है लेटर क्यों लिखना है, पर्पस ऑफ द लेटर. दैट इज द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ. पर्पस हमेशा फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में होता है. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज. तो यहाँ पे लिखा है प्लान, और वो क्या पता लगता है, पर्पस यानी कि डिस्चार्ज प्लान में पता लगता है कि इंक्रीज द ब्रेस्ट फीड्स. तो हमें ब्रेस्ट फीड्स को बढ़ाना है, तभी तो हम ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट सेंटर में लैक्टेशन कंसल्टेंट को लेटर लिख रहे हैं कि अब ये बताओ कि बच्चे की ब्रेस्ट फीड कैसे बढ़ानी है. रेफर टू द ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट सर्विस, ये तो इसी में पॉइंट आ गया. जब हम लिखेंगे इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड हेल्प द पेशेंट इन इंक्रीजिंग ब्रेस्ट फीड्स, वो तो पॉइंट वहीं पे कवर हो गया. Second point, check formula feed. Also, please see if the formula feed is correctly prepared. If continuing formula feeds, advise to supplement with the water. तो आपको ये भी कहना है उन parents को कि भाई उनको water supplement कर देना अगर आप formula feeds दे रहे हो. Advise on keeping the baby cool. Return for review in 48 hours. तो इनमें से कोई important point नहीं है, क्योंकि lactation consultant ना तो ये करेगा, शायद ये करते हैं, पर लैक्टेशन से रिलेटेड पॉइंट नहीं है. लैक्टेशन से रिलेटेड फीडिंग से रिलेटेड पॉइंट होते हैं. तो जो फीडिंग से रिलेटेड पॉइंट है, उसके हिसाब से अगर मुझे लास्ट पैराग्राफ बनाना हो, तो मैं लास्ट पैराग्राफ पहले ही तैयार कर लूंगा. फर्स्ट मतलब मेरा जो लास्ट पैराग्राफ है, यानी कि फोर्थ पैराग्राफ, यानी कि पर्पस. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, हमेशा ऐसे लिखना है, कोमा. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, ये बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा. If you could assist the patient in increasing breastfeeds. अब देखो, इसके साथ मैं दूसरी लाइन ये लिख सकता हूँ, check formula feed is correctly prepared. लेकिन उससे पहले लाइन आ रही है if continuing formula feeds. तो इस लाइन के साथ जहां पे मैंने कहा कि आपको पेशेंट को हेल्प करना है कि वो ब्रेस्ट फीड्स को इंक्रीज करे, तो यहीं पे लिखो however in case. इन केस का मतलब अगर, इन केस का मतलब होता है अगर. इसको इफ भी लिख सकता हूं, इफ भी लिख सकता हूं, लेकिन इन केस अच्छा लगता है. हाउएवर इन केस इफ फार्मूला फीड इज कंटिन्यूड, पैसिव वॉइस जो उसने ऊपर दे रखा है, इफ फार्मूला फीड इज कंटिन्यूड, अगर उसको कंटिन्यू करना है, देन काइंडली advise the patient to supplement it with water. बिल्कुल ठीक हो गया. अब water की boiled और cooled होना चाहिए, इसको मत लिखो, कोई बात नहीं. Also make sure that the formula feed is correctly prepared. तो ये हमारा purpose है कि हम जिसको letter लिख रहे हैं lactation consultant को,
हम उससे ये सारी चीजें चाहते हैं कि ये ग्रेटली अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप पेशेंट के ब्रेस्ट फीड्स को इंक्रीज करवा दो। अगर फार्मूला फीड को आप कंटिन्यू करवा रहे हो तो प्लीज ए पेशेंट को एडवाइस करना टू सप्लीमेंट इट विद वाटर। अगर इसको थोड़ा सा अच्छा करना है तो आप इसको पैसिव वॉइस बना सकते हो, देन द पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड, शुड बी एडवाइज्ड टू सप्लीमेंट इट विद हॉट वाटर, ऑल्सो मेक श्योर दैट फार्मूला फीड इज। तो ये लाइन मैंने बाद में लिखी, अगेन ये से अरेंजमेंट कहते हैं। इफ यू वॉन्ट टू गेट बेटर मार्क्स तो आपको ये अरेंज करना आना चाहिए कि पहले लिखो ब्रेस्ट फीड, लेकिन कनेक्टर लगाना, कनेक्टर नहीं है लेकिन मतलब सेंटेंस चेंज हो रहा है। एक पॉजिटिव सेंटेंस था कि आप ब्रेस्ट फीड्स बढ़ाओ, उसके साथ एक दूसरा सेंटेंस आ रहा है लेकिन अगर आप फार्मूला फीड को कंटिन्यू करवा रहे हो, इफ द फार्मूला फीड इज कंटिन्यूड तो देन पेशेंट शुड बी एडवाइज टू सप्लीमेंट इट फर्दर, ऑल्सो मेक श्योर दैट द फार्मूला फीड इज करेक्टली प्रिपेयर्ड। ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड इट एंड देर इज नो डाउट फॉर एनीवन, और किसी को शायद कोई डाउट ना हो। अभी आगे चलते हैं फर्स्ट पेज पे। तो अभी तक हमने फर्स्ट पेज नहीं देखा है तो हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके तो प्लीज स्क्रीन पे आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा अब तक कि लास्ट पैराग्राफ कैसे लिखना है। आप इसे पैसिव वॉइस बना सकते हो। अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे। अब ये लेटर बिल्कुल हमें पर्पस तो पता लग गया कि फार्मूला फीड यानी हमारा जो भी डाटा है आज लैक्टेशन कंसल्टेंट के लिए होना चाहिए। तो ये है यू आर अ मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ नर्स वर्किंग एट रोमाविली कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ सर्विस। तो हम कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ सर्विस में काम करते हैं यानी बच्चों से रिलेटेड जगह पे काम करते हैं। जो हमारा काम है वो बच्चों से रिलेटेड है, न्यूली बोर्न बेबी से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग की दिक्कत है तो न्यूली बोर्न बेबी होगा तभी तो ब्रेस्ट फीडिंग की बातें हो रही हैं। अगर बेबी 1 साल का हो गया होता, 2 साल का, तो ये प्रॉब्लम अब थोड़ी ब्रेस्ट फीडिंग की सॉल्व करते। तो ये तो हमें पहले ही समझ जाना चाहिए, दैट इज वट अंडरस्टैंडिंग इन ओईटी मीन्स। हम नर्सिंग प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से, हमें पहले ही समझ आ जाना चाहिए कि नया बेबी है, अभी मुश्किल से 10-15 दिन ओल्ड होगा तभी ये ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम चल रही है। तो हम मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्स हैं, ठीक है, हम मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्स हैं और हमें उसके हिसाब से लेटर लिखना है। और हम कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ सर्विस में काम करते हैं और जिनको लेटर लिख रहे हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट सेंटर है। तो उसमें क्या लेटर लिख रहे हैं, टुडेज डेट 15 जनवरी है, बेबी बॉय 4 दिसंबर को पैदा हुआ था, यानी कि अब वो 1 month and 10 days ओल्ड है। 4th, 1 month and 10 days, जनवरी आ गया, दिसंबर से 1 month and 10 days ओल्ड है बेबी। रोमाविल मैटरनिटी हॉस्पिटल में हुआ था, मदर 24 है, फर्स्ट चाइल्ड है। तो इस वाले डाटा को आप लिख सकते हो कि उसका पहला बेबी है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है। लैक्टेशन कंसल्टेंट को ये बताना चाहिए, दैट इज हाउ डाटा इज सिलेक्टेड। लैक्टेशन कंसल्टेंट को बताओ कि मदर 24 एज की है और 24 एज की और फर्स्ट बेबी है और फादर दूर रहता है, तो ये बताना इतना जरूरी नहीं है। ये भी बर्थ वेट, बर्थ का टाइम का वेट बता दो, पर ये सब जरूरी नहीं है। नॉर्मल वेजाइनल बर्थ है, टर्म, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती। तो मेन दिक्कत क्या है, सिल्विया एंड द बेबी। सिल्विया कौन है, सिल्विया इज द नेम ऑफ द मदर आई गेस। सिल्विया कहीं पे दे रखे है, कहीं पे भी दे रखा, सिल्विया एंड द बेबी, डायन चार्ल्स। मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, इससे पहले कहीं पे नाम दिया है मदर का कि यहीं पे दे रखा है सिल्विया। सर यहाँ देखिए पेशेंट हिस्ट्री में वहां लिखा फर्स्ट बेबी ऑफ रेमंड एंड सिल्विया चार्ल्स। चार्ल्स मदर सर, सर पेशेंट हिस्ट्री में वो थर्ड फोर्थ लाइन है, फर्स्ट बेबी ऑफ रेमंड एंड सिल्विया चार्ल्स। ओके यहाँ पे दे रखे है सिल्विया चार्ल्स। थैंक यू मैम, मैं आपको वापस म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी, सो दैट द रिकॉर्डिंग शुड बी गुड। ओके सो बेसिकली यहाँ से पता लग जाता है कि सिल्विया का बेबी है तो मदर का, मदर है, मदर का नाम है। तो द मदर एंड द बेबी अटेंडेड। अब यहाँ पे ना सबसे कंफ्यूजन आपको ये होती है पेशेंट हिस्ट्री, बेबी चार्ल्स, पर ये पेशेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये रोमाविल कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ सर्विस में हमारा पेशेंट ये था, पर जो हम रेफर कर रहे हैं, जिसके लिए हम आज लेटर लिख रहे हैं, उसमें रिगार्डिंग में मदर और बेबी दोनों का नाम लिखना प्लीज। तो यहाँ पे जो नाम दे रखा है डायलन चार्ल्स, ये हमने अपने हिसाब से दे रखा है क्योंकि हम कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ सर्विस में काम करते हैं, तो हम बेबी के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
लेकिन जो लेटर जिसको लिख रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट वालों को, उनके हिसाब से पेशेंट कौन है? मिसेस सिल्विया चार्ल्स, ये मेन पेशेंट है, एज्ड 24, और फिर लिखो एंड हर बेबी, क्या नाम है, डायलन चार्ल्स, ऐसे लिखना चाहिए आपको। अब इसकी एज लिखनी है तो लिख दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों को रेफर ऐसे लिख देना चाहिए, एंड हर बेबी डायलन चार्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट, अभी सेकंड पैराग्राफ में हम सिर्फ, सेकंड पैराग्राफ में हम सिर्फ एक ही लाइन इंक्लूड कर पाए हैं, मिसेस चार्ल्स is 24 year old and it is, and Dylan is her first baby. ये बस इतनी सी बात आपने लिख दी, Dylan उसका पहला बच्चा है। उसके अलावा main, at birth, his weight, his से पता लग जाएगा कि boy की बात हो रही है, तो यानी Dylan की बात हो रही है। His weight was, past में था, 3400 gram। ऐसे सोच के आराम से लिखना है, और इतना कोई मुश्किल है ही नहीं, बस ये बात भी खत्म होगी। बस इसके बाद सब्जेक्टिव हिस्ट्री, अब यहाँ पे लिख दो, सब्जेक्टिव का मतलब कंप्लेंट। सिल्विया एंड बेबी अटेंडेड फॉर रूटीन 6 week चेकअप, वैसे भी 1 month and 10 days का बेबी हो गया है। 1 month में लगभग 4 weeks होते हैं, 10 days का माने तो हम लगभग 2 weeks, तो टोटल 6 week के चेकअप के लिए आई थी। मदर सेज दैट शी इज कंसर्न्ड अबाउट कॉन्स्टिपेशन। सो यहाँ से शुरू करो, मिसेस चार्ल्स या ऑन 15th, अगर आपको चेंज करने में दिक्कत आ रही है तो हमेशा डेट डाल दिया करो, ऑन 15 जनवरी यानी कि टुडे। एक ही डेट है इस लेटर में और तो कोई डेट है नहीं, सो टुडे। अब और भी आसान हो गया, तो किसी ने भी डेट नहीं लिखनी है, टुडे लिखना है। टुडे द मदर एंड द बेबी, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, जो आप कहानी हिंदी में सुनाते हैं वैसे ही सुनाओ। द मदर एंड द बेबी प्रेजेंटेड फॉर, बिल्कुल इजी अगेन, 6 week रूटीन चेकअप। ध्यान से पढ़ो ऊपर क्या दिया है, उसके हिसाब से चलो। चेकअप के लिए आए थे, एंड द मदर रिपोर्टेड, एंड शी रिपोर्टेड या द मदर रिपोर्टेड दैट, अब जो मेन दिक्कत है, दैट सेज शी इज कंसर्न्ड अबाउट कॉन्स्टिपेशन, एवरीवन्स हार्ट स्टूल, मदर इज आस्किंग अबाउट स्टूल स्टॉपनर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लैक्टेशन कंसल्टेंट को इस चीज से इतना मतलब नहीं है। ब्रेस्ट फीड फॉर द, शी रिपोर्टेड दैट शी ब्रेस्ट, फीड की सेकेंड फॉर्म होती है फेड, तो आपको ऐसा लिखना है, ब्रेस्ट फेड। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो आप बहुत ही समझदार हो, तो बेस्ट ही है। दैट शी ब्रेस्ट फेड, फेड मतलब सेकेंड फॉर्म, कि उसने किया, पास्ट में किया, फीड फेड फेड, सो शी ब्रेस्ट फेड द बेबी फॉर फर्स्ट 3 weeks, बट उसके बाद क्या हुआ, बट बेबी बिकेम, बट द बेबी बिकेम, दा लगाना है साथ साथ, बेबी बिकेम अनसेटल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट समर वेव। बस देखो अब कितना आसान हो गया, सारी आपके डाटा भी बच गया, आपका सेकंड पैराग्राफ भी पूरा बन गया है, और ये भी हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, सिल्विया गॉट सिक एंड हैड अ फीवर, मदर इन लॉ केम इन विजिट एंड एडवाइस चेंजिंग द बेबी टू सो। अब इसको एक लाइन छोड़ के, वैसे कोई जरूरी नहीं, आप इसके साथ भी लिख सकते हो, पर मेरा ये पैराग्राफ काफी लंबा हो गया तो मैंने एक लाइन छोड़ के अगले में लिख रहा हूँ फर्दर, ठीक है। तो सेकेंड, अब इसके बाद फर्दर, ये थर्ड पैराग्राफ फर्दर, आप इसको साथ भी लिख सकते हो बाद में भी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है इसके अलावा, इसके साथ साथ उसने बताया, फर्दर शी इन्फॉर्म्ड दैट, उसने बताया, उसने इन्फॉर्म किया, रिपोर्टेड वर्ड यूज कर लिया तो सेकंड वर्ड हमेशा इन्फॉर्म, फर्दर शी इन्फॉर्म्ड दैट, पास्ट में बताया कि शी गॉट सिक, अब इसके साथ लाइन लिखो सिक, सो हर मदर केम टू हेल्प हर एंड द बेबी, तो जी ग्रैंड मदर आ गए हैं, ग्रैंड मदर की एक्टिंग होगी, एंट्री होगी है यहाँ पे, और बिल्कुल सही सही चल रहा है। एंड शी एंड द ग्रैंड मदर
यही लिखो, ग्रैंडमदर एडवाइज्ड हर टू चेंज. अब एक चीज पकड़ लो, चेंज, अब ग्रैंडमदर यूज किया तो इसी को यूज करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, चेंज द बेबी टू फार्मूला फीड्स. तो उसने कहा भाई तू यार ब्रेस्ट फीड कर रही है तो फार्मूला फीड्स में चेंज कर दे. सो मैरी एडवाइज एक्स्ट्रा पाउडर इन द फीड्स टू इम्प्रूव वेट गेन. तो मैरी उसका नाम है, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर का नाम लिख दोगे तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी, मिसेस मैरी. अब आपके लिए इजी हो जाएगा. एंड द ग्रैंड मदर मिसेस मैरी एडवाइजर ऑल्सो मिसेस मैरी. आप ऐसे नाम यूज कर सकते हो ताकि एग्जामिनर ताकि आपको शी और हर में बार बार कंफ्यूजन हो. ऑल्सो मिसेस मैरी एडवाइज्ड हर टू एड एक्स्ट्रा पाउडर फॉर द वेट गेन. अब यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन जो टॉपिक चल रहा है वो यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग उसको मदर कंफ्यूज हो गई है. अभी अगली लाइन देखते हैं आगे क्या लिखा है. तो शी वरीड शी डज नॉट हैव इनफ ब्रेस्ट मिल्क नाउ गिव्स एक्स्ट्रा फार्मूला फीड्स एज वेल एज ब्रेस्ट फीडिंग टैलेंट डिफिकल्ट टू बोट ऑफ इट. तो अब क्या हुआ उसके बाद, अब यहाँ पे कनेक्टर्स का यूज होता है कि ग्रैंड मदर ने एडवाइस किया कि भाई तुम एक्स्ट्रा, सो शी स्टार्टेड मिक्सिंग बोथ ब्रेस्ट फीड एंड फार्मूला फीड. अब जैसे ही मैं ऐसा लिखता हूं तो मुझे लगता है मिक्सिंग वर्ड ऐसा लग रहा है कि दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो मतलब इसको मिक्स की जगह मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ, शी स्टार्टेड गिविंग बोथ ब्रेस्ट फीड. तो कोई भी वर्ड ऐसा मत लिखो जो आपको ट्रबल में डाले. सो शी स्टार्टेड गिविंग बोथ ब्रेस्ट फीड एंड फार्मूला फीड्स विद एक्स्ट्रा पाउडर. अगर लिखना है तो लिख दो कि उसने उसकी बात पूरी मान ली, बट द बेबी डज नॉट बॉटल फीड वेल. लेकिन बेबी अपनी जगह पे, बेबी नहीं ले रहा बॉटल फीड. ये मेरा थर्ड पैराग्राफ के भी वर्ड्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं. अब क्या कंसर्न क्या है, सिल्वर विशेस टू ब्रेस्ट फीड प्रॉपरली एज शी फील्स दैट इट इज द बेस्ट थिंग फॉर द बेबी. मैरी चार्ल्स प्लान्स टू स्टे विद द फैमिली फॉर एटलीस्ट अ फर्दर टू हेल्प द बेबी टेंशन डेवलपिंग बिटवीन द टू. तो ये प्रॉब्लम हो गई है. सो फोर्थ पैराग्राफ नाउ, मिसेस चार्ल्स फील, बिल्कुल कहानी की तरह ही बनाया करो. चार्ल्स फील्स दैट द बेबी शुड बी ब्रेस्ट फीड. Whereas, जबकि, whereas, यहाँ पे however भी use कर सकते हैं, however और whereas एक ही बात है. However, Mrs. Mary feels otherwise. Otherwise का मतलब उसको दूसरी चीज लगती है, otherwise का मतलब उसको लगता है कि bottle feed ज्यादा better है. तो आप ऐसे words को use कर सकते हो, नहीं तो आप simple ऐसे लिखते हो, whereas Miss Mary feels that bottle feed is better. अब देखो, अब प्लीज इस बात को समझना, अब जो सारा डाटा है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको लगेगा इंपॉर्टेंट पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. अब डाटा रिफ्लेक्सिस, नॉर्मल, लिथार्जिक, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. माइल्ड कॉन्स्टिपेशन कुछ भी इंपॉर्टेंट. अगर आप बेस्ट लिखना चाहते हो तो उसी लाइन को जहां पे हमने खत्म किया था, थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ में आपको सारा दिखाता हूं कैसे था. तो सो क्योंकि दोनों के दोनों को अलग अलग है. सो नाउ बोथ द बेबी एंड हर मदर आर बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज. तो हम भेज रहे हैं जी आपकी एक्सपर्टीज में. क्यों भेज रहे हैं आपकी एक्सपर्टीज में, क्या चाहिए? द मदर एंड द बेबी बोथ are being referred under your expertise. किस लिए? To increase. यार सबसे पहले तो ये कहना चाहिए to suggest them the best method of feeding. Also it would be greatly appreciated, जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ बनाया था, बाकी सब सेम, बाकी आप सारा सेम लिख सकते हो. तो प्लीज इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना
और कहानी को कहानी की तरह चलाओ। अब ये मेन पर्पस आ गया कि उसको ये लगता है, उसको ये लगता है। सो नाउ द बेबी एंड द मदर बोथ आर बेबी एंड हिज मदर सॉरी। देखा है छोटी छोटी गलतियां, क्योंकि डायलन है, लड़का है। सो बेबी एंड हिज मदर आर बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज टू सजेस्ट देम द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग। ऑल्सो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड हेल्प द मदर टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीड्स। इन केस इफ फार्मूला फीड इज कंटिन्यूज प्लीज एडवाइज टू सप्लीमेंट इट विद वॉटर एंड सी इफ इट इज करेक्टली प्रिपेयर्ड फुल स्टॉप खत्म। सो दैट इज हाउ यू विल कंप्लीट दिस टास्क। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बी के एम इंस्टीट्यूट। नाउ आई वुड अनम्यूट यू एंड विल आस्क यू क्वेश्चन अगर आपको कोई भी डाउट है तो।